अगर आप बिना शोरूम या सर्विस सेंटर जाए घर बैठे अपने बाइक का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सन 2020 की बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनीज है, बट उनमें से बेस्ट कौन सा है ये कन्फ्यूजन सबको रहता है। तो मैं लेकर आया हूँ उनमें से एक बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी, जिसका नाम है HDFC एर्गो, जिसके 1 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसका नाम पहले सुन चुके होंगे और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते आप लोग बिल्कुल टेंशन भी ना लें, क्योंकि आज आप इस वीडियो में सारी जानकारी जान लेंगे। आपको मैं आगे इस वीडियो में बता दूंगा कि मैंने HDFC एर्गो को ही क्यों चुना है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से 2-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसीज को कैसे बाय करें। इंश्योरेंस पॉलिसीज को बाय करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका बाइक की RC बुक। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। मैं आपको मोबाइल में ही बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे बाय कर सकते हैं। ब्राउज़र में जाना होगा, क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे हम। उसके बाद यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में आपको सिंपल सा लिखना है HDFC एर्गो लिख के सर्च कर देना है। यहाँ पे सर्च करेंगे, आप ऊपर में राइट साइड में कॉर्नर पे देख रहे होंगे 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा। हम 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है नीचे में, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन है। डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक करना है, तो आपके डेस्कटॉप पे जिस तरह का पेज ओपन होता है उसी तरह का सेम आपके मोबाइल में भी ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप पहला लिंक देख रहे हैं HDFC एर्गो का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेयर आपके पास होगा, एक लेफ्ट एक राइट का ऑप्शन आएगा। आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे। हमें 2-व्हीलर का इंश्योरेंस लेना है तो 2-व्हीलर इंश्योरेंस वाले ऑप्शन में जाके बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका पूरा नाम, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह डालना है। यहाँ पे आप फुल नेम डाल दीजिए, सिटी में अगर आपका इस लिस्ट में अगर आपका सिटी का नाम है तो आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर सिटी ऑप्शन वाले को चूज़ करेंगे। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आप जो एक ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पे आप टिक लगा दीजिए इसके कंडीशन को। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके RC बुक में दिया हुआ रहता है। ये आपका RC बुक है, आपके RC बुक में ये फ्रंट में ऊपर में ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सारा चीज़ दिया रहता है। ये देखिए RC सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ों को देख के आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन नंबर को ले लेते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। व्यू वाले ऑप्शन क्लिक करके आपका जिस कंपनी का भी बाइक है वो कंपनी आप चूज़ करेंगे। यहाँ हमारा यामा का, यामा हमने चूज़ किया। उसके बाद बाइक मॉडल नंबर, आपको बाइक मॉडल चूज़ करना है। उसके बाद कौन सा वेरिएंट का बाइक है, V3 है, VS, कौन सा, जो भी हो आपका, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हर कंपनी के अलग अलग बाइक के अलग अलग मॉडल के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो आप अपने हिसाब से आपका जो भी बाइक है उसका मॉडल नंबर वगैरह आप अपने यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो हमारा ये V3 है, हमने 155 से सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपका कौन से साल में रजिस्ट्रेशन हुआ वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका RTO का ऑप्शन आएगा। RTO का ऑप्शन में अगर आपका लिस्ट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में जाके आप RTO नंबर डालेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आपको ये पहला वाला जो लिंक देख रहे हैं इस पर आपको चूज़ करना है, फर्स्ट वाले पे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो अगर आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अगर आपका एक्सपायर नहीं हुआ इंश्योरेंस तो आप पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे, अगर 90 दिन के अंदर आपका एक्सपायर होने वाला इंश्योरेंस तो आप दूसरा नंबर ऑप्शन को चूज़ करेंगे, और अगर आपके इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सपायर हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो आप तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है NCB नो क्लेम बोनस, तो अगर आपने 1 साल में कोई भी क्लेम नहीं किया तो आप 20% का ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जो ये 20% ही मिलता है अगर आप क्लेम नहीं करते। अदरवाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप जो क्लेम नहीं करते तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको परसेंटेज में छूट मिलता है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। NCB नो क्लेम बोनस, उसके बाद हम 20% चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको फुल नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे आप ये सारे चीज़ आप डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एग्री करना होगा, एग्री पे टिक करके व्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे।
व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख चुके होंगे आपका बाइक का मॉडल नंबर वगैरह आ गया है, और यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है 1 साल 2 साल 3 साल में ये प्रीमियम का इतना रुपये लगेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरा 1 साल का जो है 2191 दे रहा है, 2 साल का 4043, 5 साल का 5768, इस तरह का होता है। तो मेरा 1 साल का अभी मिल रहा है यहाँ पे जो दिखा रहा है 94,520 रुपये। तो ये मुझे अभी ये प्रीमियम इस पर मिल रहा है 1 साल के लिए। तब हम देखते हैं कि हमारे पॉलिसी में क्या क्या कवर हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं पॉलिसी कवर का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको डैमेज का और थर्ड पार्टी का जो कवर है वो इसमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ प्रीमियम ब्रेकअप ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाके क्लिक कीजिए। प्रीमियम ब्रेकअप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कि क्या क्या मिल रहा है इसमें, बेसिक प्रीमियम कितना है, NCB कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, और हमारा थर्ड पार्टी का, ये सारे मिल के ये इतना अमाउंट बन रहा है। तो उसके बाद हम उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक आ रहा कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट, इसको यस या नो रहता है, आप इसको यस कर दें। उसके बाद आप यहाँ बाय नाव पे क्लिक करेंगे। बाय नाव पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे ऊपर में IDV लिखा हुआ है 94,520 रुपये। ये IDV ये होता है जो आपके बाइक में अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए या चोरी वगैरह हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इतने रुपए तक का अमाउंट पे करेगी, या एक्सीडेंट पे हो जाए या फिर चोरी वगैरह कुछ भी आपके बाइक में समस्या होती है तो उस पर अगर आप क्लेम करते तो इतने रुपए तक इंश्योरेंस वाली कंपनी आप पे आपके बाइक पे खर्च करेगी। तो IDV का मेन मतलब यही होता है। उसके बाद हम IDV आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा व्हीकल ओनर का, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल रखना है। फिर ये जहाँ यहाँ पे जो जो पूछ रहा है आप वो फिल कर दीजिए। उसके बाद ये आपका प्रीमियम ब्रेकअप होता है, ये सारा जगह पे आपको फिल करना, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भरने के बाद आप यहाँ पे पिन कोड वगैरह डाल दें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके RC में पहले दिया हुआ रहता है, जो मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह सब डालेंगे। ये RC हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारा आपको वहाँ पे फॉर्म में फिल करना है। फिल करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे पॉलिसी का, प्रीवियस पॉलिसी का पॉलिसी नंबर मांगा जाएगा और एंड डेट मांगा जाएगा। तो आपको ये जो पहले का इंश्योरेंस वाले पेपर है वहाँ पे ये दोनों चीज़ मेंशन रहता है, वो आप फिल कर दें। उसके बाद नॉमिनी का नेम, एज वगैरह लिख के सेंड कर दें, वेरीफाई कर देंगे। तो उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, आप उस OTP को इसमें डाल के वेरीफाई कर दीजिए। हम OTP आ गया, OTP को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका जो आपने अभी तक डिटेल्स भरा था वो सारा चीज़ आ जाएगा, ओनर का डिटेल्स जैसे इसमें दिया हुआ है। आप एक बार फिर से ठीक से चेक कर ले कि कोई गलत तो नहीं है। उसका वेहिकल डिटेल्स भी आएगा, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स भी आएगा, मतलब सारे डिटेल्स यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप अच्छे से फाइनल तरीके से चेक कर ले कि आपका सारा चीज़ ओके है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा, आप उस पर एक्सेप्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा, 24 घंटे के अंदर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी आ जाएगी, जो आपके ईमेल आईडी पे आएगी, जो आपने पहले रजिस्टर्ड किया था उस ईमेल आईडी पे आएगी। तो इस तरह से आप नया इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पेमेंट मेथड देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग, अदर UPI, मोबाइल वॉलेट, पेटीएम वगैरह से सारा पेमेंट से कर सकते हैं। तो ये होता है नया इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का तरीका। करते हैं अगर जिन लोगों का इस कंपनी में पहले से इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो वो अपने पॉलिसी को कैसे रिन्यू करा सकते हैं। तो पहली बात तो इसमें जिसका पहले से बना हुआ है उसके नंबर पर कंपनी की तरफ से मैसेज आता रहता है, या जीमेल पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे मुझे यहाँ मैसेज आया हुआ है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यह मुझे डेली मैसेज आ रहा है कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर होने वाला। तो मैं आपको एक मैसेज इसमें से ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा मैसेज आया हुआ है, मैं से एक को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक लिंक आएगा, आप उस लिंक से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्रोम ब्राउज़र में जाके
HDFC अर्गो रिन्यूअल लिख के भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर में राइट साइड के कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पे आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिन्यू योर HDFC अर्गो पॉलिसी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका पहले पॉलिसी नंबर है वो डालिए, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो डाल सकते हैं, या ईमेल आईडी वगैरह, ये तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी डाल के रिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमने फ़ोन नंबर डाला था तो फ़ोन नंबर पे OTP आया हुआ है, उस OTP को हम यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देंगे, तब OTP इसमें इंटर कर देते हैं। अब ये वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई होने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेयर आएगा, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका ये पहले सही है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, अदरवाइज आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस आया हुआ है, 1 साल के लिए आपको इतने रुपये का अमाउंट लगेगा, 2 साल के लिए इतना, 3 साल के लिए इतना, तो ये सारा अमाउंट लगा हुआ है। और इस पर मुझे 0 डिप्रिसिएशन कवर भी मिल रहा है और रोड साइड असिस्टेंट भी है, 80 रुपये का है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, पर्सनल एक्सीडेंट, इसको यस या नो का ऑप्शन रहेगा, आप इसको यस चूज़ करके रखें तो इसमें आपको 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलता है। उसके बाद आप प्रीमियम ब्रेकअप पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका कितने रुपए कहाँ पे लग रहे हैं और आपका ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम बन रहा है वो कितने अमाउंट का फाइनल बन रहा है। तो आप ये नीचे लास्ट में देखें, आपको 3588 का प्रीमियम अमाउंट बन रहा है, जिसमें थर्ड पार्टी का भी आपको इसमें मिल रहा है, पर्सनल एक्सीडेंट का 15 लाख भी मिल रहा है 1 साल के अंदर, NCB का मुझे डिस्काउंट भी मिला हुआ है। तो ये सारे पूरे डिटेल्स इसमें रहता है, मुझे ये IDB 52,283 रुपये का मिलेगा 1 साल के लिए। आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने HDFC अर्गो को ही क्यों चुना है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, यहाँ से आप अपने IDV को कम कर सकते हैं और ये आपका पॉलिसी में 200-300 रुपये का कम या ज़्यादा का फ़र्क पड़ जाएगा, पर उससे आपको 5,000 से 6,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ कर लें। तो हमने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे IDV को सबसे कम कर दिया है, जो 44,441 रुपये है, जिसके लिए हमें 2,833 रुपये का प्रीमियम देना होगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं तो आपका प्रीमियम कम लगेगा, ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा लगेगा। आप 200-300 रुपये ज़्यादा लगा के 5,000-6,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें पा सकते हैं। यहाँ से आप अपने बाइक के IDV को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ से सेट फॉर बेस्ट IDV पे क्लिक करके अपडेट कर देते हैं। अपडेट के बाद यहाँ नीचे में ऑप्शन आएगा, आप बाय नाउ का एक ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद तो आप ये सारा डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर ले कि आपका ये सारा डिटेल सही से फिल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले जैसा ये सारा चीज़ दिखाएगा, इसमें व्हीकल डिटेल, प्रीवियस पॉलिसीज, ओनर डिटेल्स, न्यू पॉलिसीज, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर लें एक बार फिर से, जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2017 का है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, और यहाँ पे ओनर डिटेल्स में ये सारा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से सब चेक कर लें कि नया पॉलिसी का इसमें सारा इसमें शो रहेगा, कितने का आपका टोटल प्रीमियम लग रहा है। उसके बाद यहाँ नीचे कॉर्नर में PUC सर्टिफिकेट को टिक कर देंगे, उसके बाद नेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, पेटीएम, जियो मोबाइल, UPI, आपको जो इजी लगे आप उस माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन को चूज़ किया है, उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो UPI ID होगा, यहाँ पे UPI ID डालने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे अपना UPI ID डाल देते हैं। मेक पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर में देखिए, मेरे पास UPI की तरफ से पेमेंट के लिए मैसेज आ गया है। यहाँ पे मैं पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अमाउंट को पे करूँगा। तो यहाँ रिक्वेस्टेड बाई इतना का अमाउंट मेरा कटेगा, आप यहाँ से पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी भी कर सकते हैं, बाद में फ्यूचर में ये काम आ सकता है। तो हमने यहाँ पेमेंट में हमारा
होने वाला है, हमारा जिस अकाउंट से भी होगा यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो हम ये पेमेंट अब कर रहे हैं, ये हमारा पेमेंट हो गया सक्सेसफुल। अब 24-48 घंटे के अंदर हमारे ईमेल आईडी पे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पॉलिसी को सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं और आपके जीमेल में इस तरह से आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से बाइक की इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीद सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें, वो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज को घर बैठे ना चाहते हैं, बिना सर्विस सेंटर जाए या बिना शोरूम जाए, जिससे उनको भी हेल्प हो जाएगी कि इंश्योरेंस पॉलिसीज को कैसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको मेरी बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो मन हो आपका वो कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता रहूँगा।